हमारा जो पॉडकास्ट है ईरान और इसराइल के बारे में मालूम करना चाह रहे थे कि कौन ताकतवर है इसराइल या ईरान और किस तरीके से हमला हो रहा है। और आज जो 26 जो कि आज 26 तारीख है और इसी के साथ साथ जो कि आधी रात के अंदर पता चला कि इसराइल ने हमला करा है और 57 कंट्री जो मुसलमानों के देश हैं और इसी के साथ साथ जिस सिर्फ और सिर्फ जो कि आंखों नाक डालकर जो खड़ा है वो हमें फ़िलहाल ईरान ही नज़र आ रहा है और बाकी जो कि अरब कंट्री हैं वो खामोश क्यों बैठी हैं और किस वजह से बैठी हैं और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आज सऊदी अरबिया हुआ, दुबई और भी कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट है, लेकिन इस तरीके से जो हमारी आज जो हमारे सोचों के अंदर और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने भी देखा होगा काफ़ी चीज़ों के अंदर आप सोशल मीडिया के अंदर आपने भी देखा, तो इसके आप मुताबिक क्या कहना चाहेंगे कि आज कौन ताकतवर हो चुका है। देखो अगर देखा जाए तो वैसे ईरान जो आज तक बराबर जिद जहन कर रहा है और उनकी बहुत मेहनत और मशक्कत और काफ़ी असला और काफ़ी पैसा उनका बर्बाद हो रहा है इसराइल से लेकर जी, तो उन लोगों की बहुत मेहनत है जो अपने मुसलमान भाइयों के और उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, फिर भी लड़ रही अपने आप में जगह फेस कर रही, तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी कर पाई है। और बाकी कंट्रियों का अगर हिसाब लगाया जाए तो मेरे भाई और लोग उनकी फिक्र नहीं करें, बाकी मुसलमानों का उनके दर्द होता, एहसास होता, फहन होती, तकलीफ होती, तो वो भी उस जगह में उस मैदान में पूरी होती। बेशक आप सही फरमा रहे हैं, जैसा कि अभी सऊदी अरबिया है जो कि अभी हालांकि देखा जाए तो काफ़ी पैसा के लिहाज से और काफ़ी असला और न्यूक्लियर हथियार के हिसाब से भी, बीकन वगैरह के हिसाब से भी और उसकी जो कि आर्मी वगैरह है उसके हिसाब से भी काफ़ी ताकतवर है, लेकिन असल बात ये क्यों है कि वो ताकत के हिसाब से भी लिहाज से भी फिर भी मदद क्यों नहीं करना चाह रही कि फिलिस्तीन का, क्योंकि वो अपना अपना मुल्क का एक टाइटल होता है, वो अपने बिजनेस की वजह से या फिर अपनी करेंसी की वजह से किस वजह से नहीं करना चाहते हैं ये तो वही लोगों का सर पता होगी अभी तक। बाकी हम तो यही बोलेंगे कि मुसलमानों को मुसलमान मदद करनी चाहिए और जो जिसने पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे ने नाम पढ़ा वो आपस में भाई है, चाहे वो यमन का रहने वाला हो चाहे वो शाम का रहने वाला हो, वो आपस में भाई है मेरे भाई। तो आदिल मैं ये आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आज माशाल्लाह जो कि हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, हालांकि हम इसके लायक हैं कि हम उनके लिए दुआ करें क्योंकि वो हमारे भाई हैं, आपने भी बताया और हमारे नबी की हदीस है कि अल मुस्लिम अकल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और यहाँ पर बताया था कि एक मुसलमान को थोड़ी तकलीफ भी पहुँचे फिर भी ऐसा है बता गया कि पूरी जिस तरीके से एक बदन में थोड़ी जगह भी तकलीफ होती है तो सारे बदन को उसकी हरारत उसको कमी महसूस होती है, उसको भी पूरी बॉडी के अंदर उसका वो मालूम होता है। तो हमारे जो हमारे दीनी भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे एक ईमान वाले भाई हैं, हमसे हमारे लिए बताया जाए कि आज हमारे जो ऑडियंस है जो आज हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनका डोनेशन कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर कुछ उनका डोनेशन करें जिसके ऑनलाइन स्कैन करके हम अपने फ़ोनपे गूगल पे वगैरह पर हम उसको डोनेशन भी कर सकते हैं, तो बताओ उससे इसके बारे में। तो वो इससे ये है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं और जो है उनके लिए पैसा समझ कर सकते हैं, इसकी आपने देखा होगा जो सलमान हैदराबादी है वो उनकी काफ़ी मदद करता है जिसकी वो उसके अंदर लगाता है, तो उस पर हम कुछ डाल सकें अपनी हैसियत के हिसाब से उनको कुछ मदद कर सकते हैं तो हम कर सकें, उनके लिए दुआ कर सकें, उनका हम नमाज़ पढ़ा उनके लिए दुआ करें, बाकी देखा जाए तो हर कंट्री उनकी कोई मदद नहीं कर पाती है, उनकी आपकी हकीकत उनकी अपनी क्यों नहीं कर रहे वही जान सकते हैं या कर रहे हैं या कर रहे हैं बेहतर जानने वाला हम किसी पर भी ऐसे बेहतर नहीं करवा सकते। पर यह है क्योंकि देखा जाए तो ईरान खुलकर आवाम आ गया और जो मुस्लिम कंट्री है वो भी घुसकर नहीं आ रही, वैसे देखा जाए तो और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जैसा कि आप जो हमारा साथ स्टैंड है जो कि उसका समर्थन खुलकर समर्थन कर रहा है जो कि ईरान, तो हमें उनका भी साथ देना चाहिए, जब भाई हम अगर हम नहीं उतर पा रहे मैदान के अंदर तो हमारे लिए हमको चाहिए कि हम उनका समर्थन करें, मतलब हम जिस तरीके से जो हमारा ईरान लड़ रहा है तो हम उसके भी उसके साथ खड़े हों। बिल्कुल चलो देखो जैसे ईरान लड़ रहा है, ईरान मेहनत कर रहा है मजदूरों के लिए, तो हम ईरान के लिए दुआ कर सकते हैं जी जी बेशक बिल्कुल, उनकी हम तारीफ बयान कर सकते हैं, इतनी जगह वाले लोग हैं जो लड़ रही जी एक मुल्क के लिए दूसरे मुल्क को जाकर लड़ रही, तो एक बड़ा जगह काम है, बड़ा ईमान और कुवत का काम कर रही है, बेशक बेशक वो तो बहुत ऊँचा काम कर रही है, बाकी देखा जाए तो हकीकत में और लोग उनकी मदद करने की तैयारी नहीं है और हो सकता है कल खयामत के दिन अगर उन लोगों ने हमारे गिरबान पकड़ लिया और बच्चों ने मजदूरों ने क्या कल खयामत के लिए खाने का काबिल न रहेंगे
उन्होंने कह दिया अल्लाह वसल्लम से कि अल्लाह के नबी ये तो खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, कारोबार करते रहे, बिजनेस करते रहे, पैसा कमाते रहे और ऐशो आराम से भी करते रहे, हम करते रहे, मरते रहे, पीते रहे, उनके पैसे तरह तरह पर हम मरते रहे और इन्होंने हमारे लिए दुआ भी नहीं करी, नहीं हमारी भी मदद करी, तो हम मदद तो बहुत मुश्किल बहुत दूर की बात है, हम भी दुआ कर सकते हैं भाई, पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ा, तहज्जुद पढ़ा, तहज्जुद की भी दुआ करेंगे भाई, हम यही बता सकते हैं बस आपको, अपने और उसको हम यही समझ सकते हैं कि हम भी दुआ करें, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम भी दुआ करें। देखो हमारे ये भी पॉडकास्ट है जो कि मुकम्मल हो चुका है और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए उनके नाम का हम सदका भी निकाल सकते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी और फला अता फरमाए और उनको जो बैतुल मुक़द्दस है अल्लाह ताला उनको पता आमीन। इंशाल्लाह हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने दूसरे लोगों को अपने अवेयरनेस के तौर पर अपने साथियों को शेयर करें। जैसा अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।